वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा गैट। तो आज हम लोग फिर से थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर वापस आ रहे हैं काफी टाइम के बाद। आज जो हमारे टॉपिक है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन इससे पहले हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स जो लास्ट लेक्चर थी उसके अंदर हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे, जो फर्स्ट लॉ के ऊपर जो बेस्ट जो भी क्वेश्चन आए थे। तो वहां पर हम लोग सारे गेट के क्वेश्चन को तो डील नहीं किए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके अंदर कॉन्सेप्ट वगैरह यूज हो रहे थे, उन सब क्वेश्चन को मैंने फिल्टर करके वहां पर ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन जो फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड थे उन सारे क्वेश्चन को डील किया था। इसी बात पे आज हम लोग सेकेंड लॉ को स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि हमें सेकेंड लॉ को पढ़ने की जरूरत क्यों हुई और इसको क्यों स्टडी करते हैं, और क्या सेकेंड लॉ को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं क्या। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि सेकेंड लॉ को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, और वो कौन कौन सी है? डायरेक्शनल लॉज, क्वालिटेटिव लॉज। अब इसको क्वालिटेटिव लॉ क्यों बोला गया है? क्योंकि फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या पढ़े थे? क्वांटिटेटिव लॉ है। तो फर्स्ट लॉ जो है क्वांटिटी को डील करता है, लेकिन सेकेंड लॉ क्या है? क्वालिटी को डील करता है, या और बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इन तीन नाम्स से भी सेकेंड लॉ को हम लोग जानते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर जरूर मेंशन हो डायरेक्शनल लॉ या क्वालिटेटिव लॉ या लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम लोग सेकेंड लॉ को क्यों स्टडी करेंगे, तो इसको अब हम लोग जरा जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमें सिंपली यही बोलती है कि टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी, लेकिन उसके डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं करती है या क्वालिटी के ऊपर नहीं बात करती है फर्स्ट लॉ। तो इसी सब पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं डील करने के लिए, हम लोग इसके ऊपर स्टडी करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली सेज दैट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब क्या समझ में आया कि फर्स्ट लॉ जो है सिंपली क्या बोला है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड्स एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन। और जो फर्स्ट लॉ है ये हमें डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करते, कोई भी डायरेक्शन जिससे एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो डायरेक्शन के ऊपर बात ही नहीं करती है फर्स्ट लॉ, सिर्फ बोलती है क्या वो एनर्जी कंजर्व है। तो अब इसी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए या एनर्जी की जो कन्वर्जन हो रही किस फॉर्म से किस फॉर्म में या जो डायरेक्शन है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेकेंड लॉ को स्टडी करेंगे। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच प्रोवाइड द डायरेक्शन। जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स की वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन को प्रोवाइड करा रहा है ऑफ द पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन और स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो हमारी जो सेकेंड लॉ है वो हमें एनर्जी कन्वर्जन के साथ साथ हमें क्या करे डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराएगी, या फिर स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, या जो प्रोसेस की जो फिजिबिलिटी है उसको भी बताएगी किसके थ्रू? एंट्रोपी के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी से हम लोग क्या करेंगे सेकेंड लॉ की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एनर्जी का कन्वर्जन किस फॉर्म से किस फॉर्म में आ रहा है, या एनर्जी के कन्वर्जन की जो डायरेक्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देयरफॉर इट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच अप्लाइड फर्स्ट इन द न्यूमेरिकल to find out the possible direction and then applied first law of thermodynamics. तो इससे हमें ये समझ में आया कि इस डायरेक्शन की वजह से ही जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अप्लाई करेंगे किसको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे, और देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखें कि लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी क्या है। तो हीट जो है हमारी वो लो ग्रेड एनर्जी है, और जो हमारी वर्क है वो उसको हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी की तरह कंसिडर करते हैं। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज कंसिडर्ड एज अ हाई ग्रेड एनर्जी। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। इससे हमें क्या समझ में आया कि हम लोग लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में पूरी तरीके से मतलब 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हीट को वर्क के अंदर 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क को हमने क्या कंसिडर किया है? हाई ग्रेड एनर्जी। तो अब हम लोग देखते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इट इज द रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। तो जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है उसकी जो कैपेसिटी होगी वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होगी।
अब इसमें भी दो होते हैं, एक हमारी सोर्स होगी और दूसरी क्या होगी, सिंक होगी। तो जो सोर्स होती है उसके अंदर क्या होता है, सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एच ई लिखा है, विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर। तो जो भी सप्लायर होगा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के अंदर, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को सप्लाई करेगा, लेकिन सप्लाई करने के बाद उस रिजर्वायर के टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चेंजेस या इफेक्ट नहीं आएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। अब जो हमारी सिंक है ये क्या है, एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर क्या लिखा है, एच ई, विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर। तो जो हमारी सिंक है ना, वो भी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन एब्जॉर्ब करने के साथ उस रिजर्वायर या सिंक के जो टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर में कोई चेंज या कोई इफेक्ट नहीं आने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक। जिसको मैंने यहाँ पर फिगर में बना रखा है कि ये हमारी क्या है, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और ये हमारी क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर क्या होगी, सोर्स होगी, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या होगी, सिंक होगी। और यहाँ पर एच ई जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हीट इंजन को, नॉट हीट एनर्जी। और ये जो वर्क हमें करके देगी उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है नेटवर्क आउटपुट, तो डब्ल्यू नेट मैंने लिखा है। तो अब तक हमने एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आउटपुट एनर्जी अपॉन में इनपुट एनर्जी। तो हमारे पास इस सिस्टम में आउटपुट एनर्जी क्या मिल रही है, नेटवर्क डन, ये नेटवर्क डन हो गया। इनपुट एनर्जी क्या है, जो सिस्टम को एनर्जी दिया जा रहा है, तो ये क्या है, क्यूएस है, तो ये आ गया। और डब्ल्यू नेट को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो ये इनलेट है और ये दोनों क्या है, आउटलेट है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्व होगा, तो जब एनर्जी कंजर्व होगा तो यहाँ पर देखो QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नेट प्लस QR। तो हमने क्या किया कि QR को इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, हीट सप्लाइड माइनस QR इक्वल टू नेटवर्क डन आ गया। तो इसी को मैंने यहाँ पर ही पुट किया है और इसको ये QS QS ही रह गया। अब जब यहाँ पर क्या कि इंडिविजुअल इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 1 माइनस QR बाय QS। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस QR बाय QS। ये जो QR है ये हीट रिजेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और QS जो है ये हीट सप्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल फॉर रिवर्सिबल ओनली, क्या बोला गया, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही, कि जो हमारी हीट होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ये किसके अकॉर्डिंग हमने बात किया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल की हेल्प से हमने क्या किया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल। यहाँ से जब हम लोग रेशियो लेंगे QR बाय QS, तो QR जहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है वहां पर टेम्परेचर क्या TL है, और जहाँ पर हीट सप्लाइड हो रहा है उसकी टेम्परेचर क्या TH है। तो यहाँ पर हमें रेशियो क्या मिल गया, QR बाय QS के लिए TL बाय TH। तो इसी को हमने इफिशियंसी के फॉर्म में फिर से क्या किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस TH बाय TS। लेकिन ये जो हमारी है प्रोसेस, ये जो इससे जो वैल्यू आएगी ये हमें एक्चुअल वैल्यू देगी, ये एक्चुअल प्रोसेस होगी, लेकिन इससे जो हमारी वैल्यू आएगी इस ये किस केस के लिए वैलिड होगी, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होगी, या मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने Q बाय टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लाएंगे, तो टी को मैं इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, कॉन्स्टेंट बच जाएगी। तो इसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर इस रेशियो को अरेंज किया और फिर इसको यहाँ पर पुट किया है। तो अब तक तो हम लोगों ने एफिशिएंसी के ऊपर स्टडी किया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो के ऊपर स्टडी करेंगे। ये दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COP। इसका जो फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट, या ई जो है ये इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन में वर्क इनपुट या एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। तो COP जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर हीट पंप के लिए लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट दिखाया है ये क्या हीट पंप का है। तो यहाँ पर देखो हीट पंप में कि डिजायर्ड इफेक्ट को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा डी, और वर्क इनपुट को क्या लिखा डब्ल्यू इनपुट। और यहाँ पर देखो डिजायर्ड इफेक्ट है, तो हमारी जब हीट पंप होती है तो उस केस में जो हमारे लिए डिजायर होती है वो ये होती है कि कितना हीट क्या किया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफर किया गया। तो हीट पंप के अंदर जो हमारी डिजायर्ड इफेक्ट होती है वो क्या होती है, QH होती है। तो इसलिए यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या आ गया, QH आ गया। और वर्क इनपुट तो हमें दिख रहा है यहाँ पर सिस्टम को कितना वर्क दिया जा रहा है, W इनपुट। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो ये भी सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, ये भी मिल रही है, और यही तो सिस्टम से बाहर आ रहा है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा QL प्लस वर्क इनपुट इक्वल टू QH हो जाएगा।
तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर COP का फॉर्मूला यहाँ पर शिफ्ट किया QH, और वर्क इनपुट क्या जाए QH माइनस QL, इसको यहाँ पर डाला और फिर से हमने टेम्परेचर स्केल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो QH क्या हो जाएगा TH पे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर भी QH TH में और ये QL क्या हो जाएगा TL में रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे फिर से हमें क्या समझ में आया कि ये जो हमें वैल्यू मिलेगी ये एक्चुअल वैल्यू मिलेगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अभी तक जो हमने COP जो कैलकुलेट किया वो किसके लिए कैलकुलेट किया है, हीट पंप के लिए, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि रेफ्रिजरेशन के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो COP ऑफ जो रेफ्रिजरेशन होगा उस केस में भी फॉर्मूला क्या आएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगी, हमारे डिजायर्ड इफेक्ट QL होगी। वो क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेशन क्या करता है कि लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और क्या करता है वो एटमॉस्फेयर में फेंकता है। तो यहाँ पर जो हमारे रेफ्रिजरेशन के केस में है क्या देखना है कि जो हमारे डिजायर्ड इफेक्ट होगी वो लोअर टेम्परेचर से कितना हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगी QL हो गई और वर्क इनपुट हमारे फिर से क्या हो जाएगी QH माइनस QL। तो फिर से हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट किया और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में केल्विन टेम्परेचर स्केल के हेल्प लिया, तो यहाँ से हमारी फॉर्मूला क्या बन गई TL अपॉन में TH माइनस TL। फिर से ये हमें क्या दे देगी मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू क्या दे देगी एक्चुअल वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का रिलेशन निकालते हैं। तो COP ऑफ हीट पंप का जो वैल्यू होगी और रेफ्रिजरेशन की जो COP होगी उससे एक ज्यादा होगी, तो हमें रिलेशन क्या मिल गया कि COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, या COP ऑफ हीट पंप जो होती है वो इनवर्स ऑफ क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर हमें हीट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है तो अगर हम लोग उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका तो हमें क्या मिल जाएगा COP मिल जाएगी। तो हमें याद क्या रखना है कि हीट पंप की जो COP होगी हमेशा रेफ्रिजरेटर से एक यूनिट ज्यादा होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब दोनों ही केस में रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही केस में टेम्परेचर जो लिमिट है मीन्स अपर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर या सोर्स टेम्परेचर या सिंक टेम्परेचर दोनों के लिए क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं वरना नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुई बात है। बोथ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आर नोन एज रिवर्स हीट इंजन। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों क्या होता है ये रिवर्स हीट इंजन होता है, क्योंकि दोनों ही वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को क्या बोल सकते हैं रिवर्स हीट इंजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे टॉपिक होगी वो हमारी होगी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इन तीनों स्टेटमेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे।